सिवनी से खबर है, बाघ के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। बाघ के हमले में 12 साल के बच्चे की जान चली गई। मवेशियों को पानी पिलाने तालाब गया था ये बच्चा। इसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। उगली थाने के खैरी गांव का मामला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक बच्चे की मौत हो गई बाघ के हमले में। सिवनी से बड़ी खबर, बाघ के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। 12 साल का बच्चा मवेशियों को पानी पिलाने के लिए तालाब तक गया था। बाघ के हमले में बच्चे की जान चली गई है। ग्रामीण दहशत में। जाहिद कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी। जी जाहिद, बताएं क्या हुआ है। देखिए प्रदीप, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला खैरी गांव का है। ये सुबह 10:30 से 11 बजे की पूरी घटना है। आदित्य भगत नाम का ये 12 वर्षीय बालक अपनी भैंसों को चराने के लिए, भैंसों को पानी पिलाने के लिए जंगल की तरफ गया था और ये वापस नहीं लौटा। तब इसके परिजनों ने इसकी छानबीन शुरू की, खोजबीन शुरू की, तो ये इस हालत में मिला। और उसके बाद में उन्होंने जो है उसकी बॉडी को देखा तो उसके पैर जो है लगभग एक पैर और गर्दन पे जो है वो चोट के निशान थे। और इन्होंने फिर पुलिस को सूचना की और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तब ये पता लगा कि ये बाघ का हमला था और बाघ ने जो है बालक का पूरा एक पैर जो है वो पूरा खा चुका था बाघ। जी पुनित, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जायद हमको बता रहे थे सिवनी से ये बड़ी खबर कि एक बच्चा जो है उसका बाघ ने एक तरह से शिकारी कर लिया है। बाघ के हमले में 12 साल के बच्चे की मौत हुई है। इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत है।